उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गई। उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो, राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी है। उद्धव जी, शिव सैनिक आपकी शिवसेना की नीति विरोधी बातों से तंग आकर शरद पवार जी की पार्टी से रहने के लिए तैयार नहीं था, उन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और आपकी सरकार करने का काम, धोखा देने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था। मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए थे। हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और यहां पर मैं खास महाराष्ट्र में आज आया हूं। अभी अभी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, भाजपा शिवसेना की सरकार बनी, धनुष बाण भी शिवसेना को वापस मिल गया और तय हो गया कि कौन सी शिवसेना असली है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना आया हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे, उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गए। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो, ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो, राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है, आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो? मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है,
क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए, आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी है। उद्धव जी, शिव सैनिक आपकी शिवसेना की नीति विरोधी बातों से तंग आकर शरद पवार जी की पार्टी से रहने के लिए तैयार नहीं था, उन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और आपकी सरकार टूटी। दगा करने का काम, धोखा देने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था, मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए थे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये 24 का जो चुनाव आना है, ये चुनाव जो आएगा, इसमें आपने फैसला करना है किस देश का प्रधानमंत्री कौन बने, मोदी जी बने या राहुल गांधी बने। जोर से बोले, कौन बने? और जोर से बोलो, कौन बने? और जोर से बोलो, कौन बने? उद्धव जी, आवाज सुनाई पड़ती है तो सुन लीजिए, आप वहां रहकर औरंगाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते, उस्मानाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते और अहमदनगर का नाम बदलने का भी समर्थन नहीं कर सकते। आपने महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 7 नए आईटीआई खोले, 7 नए आईआईएम खोले, 15 नए एम्स किर खोले और 390 यूनिवर्सिटी और 700 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, एक और 65 साल का काम और एक और मोदी जी के 9 साल का काम। पिछले 9 वर्षों में नेशनल हाईवे में 54,000 किलोमीटर जोड़ने का काम मोदी जी ने किया था। मनमोहन सिंह जी 5 शहरों में मेट्रो छोड़कर गए थे, आज 20 शहरों में हो गई। 17 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। यहां नांदेड़ साहब है, प्रताप राव ने कहा है वंदे भारत शुरू करना, मैं जाकर जरूर रेल मंत्री से बात करूंगा। 74 नए हवाई अड्डे खोलने का काम मोदी जी ने किया है। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन 1.5 करोड़ घरों में पहुंच चुका है, लगभग 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना, लगभग 11 करोड़ शौचालय, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न और देश में 13 करोड़ लोगों को नए गैस के सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, स्टार्टअप की बात हो, अंतरिक्ष के लिए नई नीति बनाने की बात हो, व्यापार बढ़ाना हो, दुनिया में से उद्योग यहां लाना हो, नौकरियों के मौके बढ़ाने हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने जो कांग्रेस 4 पीढ़ी में नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ा काम किया है मोदी जी ने, हमारे भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। सम्मान दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष कोई मोदी को बॉस कहता है, कोई पैर छूता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है,
कोई उनका समय मांगता है। ये सम्मान भारत को मोदी जी ने दिलाया है। भारत का परचम समग्र दुनिया में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों बताओ, ये हजारों की संख्या में बैठे हुए लोग, 50,000 से ज्यादा जनमेदनी है, मुझे बताओ सबका कोविड का टीका, कोविड का वैक्सीन का दोनों डोज हो गया है या नहीं हो गया है? हाथ ऊपर करिए, हो गया है या नहीं हो गया है? एक पैसा देना पड़ा है क्या? एक पैसा देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सबको वैक्सीन दे दिया, और दूसरी ओर उद्धव जी ऑफिस भी नहीं जाते थे, और राहुल बाबा कहते थे ये तो मोदी वैक्सीन है मत लो। जब देखा कि सब लेने लगे तो रात के अंधेरे में जाकर खुद उन्होंने टीका लगा दिया। मोदी जी ने 230 करोड़ वैक्सीन के डोज देकर भारत की जनता को कोविड से सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों मुझे बताओ, 24 के चुनाव को एक साल बचा है, आप क्या चाहते हैं? मोदी जी की सरकार फिर से चाहते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? नांदेड़ से कमल खिलाकर मोदी जी के पास भेजेंगे क्या? महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और बोलिए जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे।